तो आज बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार दोनों निश्चय बुद्धि है। हम अपने आप से सबसे पहले पूछें, हमारी ब्राह्मण जीवन है? ब्राह्मण जीवन माना रोज अमृत वेला, टाइम से मुरली है ना, मॉर्निंग मुरली, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, बाबा की याद पर अटेंशन, पवित्रता की धारणा, सच्चाई सफाई से बाबा के साथ चलना है ना, क्या बाबा के कार्य में स्नेही सहयोगी बनकर चलना, क्या ये मेरे जीवन का स्वरूप है? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि ब्राह्मण जन्म तो हुआ पर जीवन ब्राह्मण जीवन नहीं है। तो जो ब्राह्मण जीवन में कमी होती वो किस कारण होती? निश्चय की कमी के कारण। तो ब्राह्मण जीवन हमारी कैसे बनती? जब हम निश्चय बुद्धि है ना, और ब्राह्मण जीवन शुरू हो, हम ब्राह्मण बने, उसके लिए हमें कौन सा निश्चय चाहिए होता है? बाबा पर निश्चय। क्योंकि जब हमें ये निश्चय होता है कि ये वही भगवान है, 2500 वर्ष जिनको हम भक्ति में पुकारते थे, जिनकी पूजा आदि करते थे, वही भगवान ब्रह्मा तन में बैठकर हम बच्चों के लिए मुरली चला रहे हैं, हमें श्रीमद दे रहे हैं, और हमें निश्चय होता कि बाबा की जो मुरली है वो श्रीमद भगवानुवाच, उस श्रीमद भगवानुवाच पर चलने से हम राजाओं का राजा बनेंगे। बाबा पर निश्चय माना बाबा की मुरली पर निश्चय कि ये भगवानुवाच है। और जब हमें इसका निश्चय होता कि जो भी डायरेक्शंस मुरली में मिलते हैं, जो श्रीमत मिलती है वो भगवानुवाच है, तब जाकर हम उन पर चलते हैं। और जब हम उस निश्चय बुद्धि से है ना, बाबा पर निश्चय के आधार से जब चलते हैं, तो हमारे जीवन का स्वरूप बदलता है ना। दुनिया में देखो, मुझे एक माता कहती थी कि मेरे बच्चे कहते हैं जो बीके बन सकता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि बीके बनना है मासी का घर नहीं है ना, हमारी जीवन का की जो धारणाएं हैं, हमारे जीवन का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर स्वरूप है ना, पुरानी दुनिया से बहुत अलग है और बहुत सुंदर है। लेकिन उस पर चलने के लिए हमारे पास क्या होता है? बाबा पर निश्चय। और बाबा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हर बच्चा जब कोर्स करता है उसे बाबा का परिचय मिलता है, और जब उसे निश्चय बैठता है तभी वो अपने जीवन को इस प्रकार से ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन करते हैं। तो पहली चीज़ है कि ब्राह्मण जीवन बनी है मेरी, है ना। और अगर ब्राह्मण जीवन ही नहीं बनी है तो मैं निश्चय बुद्धि नहीं हूँ, मुझे बाप पर भी निश्चय नहीं। और जब बाप पर ही निश्चय नहीं तो बाकी बातों के निश्चय के तो डिस्कशन ही नहीं। तो पहले तो मुझे अपनी ये अच्छे से चेकिंग करनी है, क्या मेरी ब्राह्मण जीवन है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को कहो रोज़ क्लास करनी है तो कहते हो नहीं सकता, है ना। अगर किसी को पता हो कि भगवान पढ़ा रहा है, भगवान परमधाम से आकर पढ़ा रहा है, तो ऐसे कह सकता है हो नहीं सकता,
लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये निश्चय ही नहीं है कि भगवान पढ़ा रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे कॉमन सत्संग होता है, ऐसे ही ये भी एक सत्संग है। कोई कहते हैं इंस्टीट्यूशन है, कोई कहते हैं सत्संग है, कोई कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ, लेकिन वास्तव में इंस्टीट्यूशन समझने से, ऑर्गेनाइजेशन समझने से कोई हम ब्राह्मण जीवन नहीं बना सकते। हम एसोसिएट हो सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जीवन परिवर्तन नहीं हो सकते। और आज मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी जीवन को परिवर्तन नहीं करना चाहता, है ना। लाइफस्टाइल चेंज, एटीट्यूड चेंज, है ना, कर्मों में परिवर्तन ये नहीं करना चाहता। लेकिन क्या कर्मों में परिवर्तन किए बिना, जीवन बदले बिना भाग्य बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता, है ना। क्योंकि मनुष्य कहता है मेरे साथ जो हो रहा है वो ना हो, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मैं वही करता रहूँ। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा तो यही कहता है ना कि जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से जो आपके साथ हो रहा है वो ठीक है। तो जब हम अपने कर्मों को, अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तो भाग्य कैसे बदलेगा? इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट है ब्राह्मण जीवन बनाना, उसके लिए चाहिए निश्चय बुद्धि और मुख्य बाप पर निश्चय। जैसे बाबा पर निश्चय हो जाता है ना, तो ब्राह्मण जीवन शुरू हो जाते हैं। अब सफलता किसको मिलती? सफलता क्या है? जॉब लग जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रॉफिट आ जाए, डील हो जाए, ये सफलता है। सफलता क्या होती है? सफलता बहुत लॉन्ग रन की चीज़ होती है, है ना। मुझे याद है एक बहुत बड़े कोई बहुत धनवान थे जिनका मुख्य 10 में या किसी में नाम आता था। तो जब उनका शरीर छूटा तो ही वॉज ओनली समथिंग 52 या कुछ उनके शरीर की आयु थी। तो सबने कहा कि इनकी जीवन विफल जीवन की एग्जाम्पल, क्योंकि इतना कुछ कमाया, इतना कुछ बनाया और 52 वर्ष की आयु में शरीर छूट गया। तो ये एग्जाम्पल है एक अनसक्सेसफुल लाइफ का। और फिर वहाँ पर बात हुई, इन्होंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो भी बातें। तो आप देखो कि सफलता बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ है। सफलता ऐसा नहीं होता कि आज धन आ गया, कल फेम आ गया तो हम कोई सफल हो गए। सफलता होती है अंतमते सुगते। जब तक अंत नहीं आता ना, तो पता नहीं चलता कि सच में सफल हुए या नहीं हुए, है ना। तो सफलता बहुत लंबा गेम है। और अब हमें मालूम है कि सफलता किसकी हुई? जो अंतमते सोगति बाबा जैसा बन के, बाप समान बनकर, है ना, साथ में जाए, पीछे पीछे बाराती बन के ना जाए। तो जो साथ में जाएंगे, जो बाप समान बनेंगे, वही सफल होंगे। बाकी तो सब कुछ है ना, ऐसा लगता है आज ये ऊपर चले गए, वो नीचे चले गए, ये सब चलता रहता है। ये सब कुछ नहीं। आज जो बात बहुत बड़ी लगती है, कल लगता है अच्छा हुआ वो हुई, है ना, परसों लगता है कि वो ना होती तो क्या ही होते हम। तो ये सफलता बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। और ब्राह्मण जीवन में जब हम चलते हैं तो हमारी सफलता उतनी ही ऊंची होगी जितनी हमारी ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ और लंबी होगी, है ना। ब्राह्मण जीवन जितनी श्रेष्ठ है और लंबी है, क्योंकि हमारी सफलता का आधार है हम कितना बाबा के साथ रहेंगे। और बाबा का बनना एक चीज़ होती है, बाबा के साथ अंत तक टिकना, इस ब्राह्मण जन्म में अंत तक चलना,
इस ब्राह्मण जीवन में अंत तक चलना वो दूसरी सब्जेक्ट है ना। कितने ऐसे देखते हैं ना, चलते चलते कहाँ लुढ़क गए, कहाँ गिर गए, पता ही नहीं है ना। आने वाले पूछते हैं, पिछले साल जब हम आए थे तो ये थे, इस बार दिख नहीं रहे। तो जैसे आपको नहीं दिख रहे, ऐसे हमें भी नहीं दिख रहे, हमें भी ज़्यादा नहीं पता है ना। तो ये जो बातें होती हैं ये क्या है, ब्राह्मण बनना और ब्राह्मण जीवन में अंत तक चलना, दो बातें। और ब्राह्मण बने हम निश्चय के आधार से, और ब्राह्मण हम बने रहेंगे जब हम चारों बातों में निश्चय रखें। और जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक ब्राह्मण जीवन में चलेगा, वो सफलता को पाएगा, वो अंतमते सोगते को पाएगा। और जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमें क्या चाहिए, पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के लिए बाबा पर निश्चय चाहिए। लेकिन ब्राह्मण जीवन में बने रहने के लिए हमें क्या चाहिए, मायाजीत अवस्था। क्योंकि पुरुषार्थ तो हर बच्चा करता है, बाबा पर भी हर बच्चे को निश्चय होता है, लेकिन फिर जैसे ही बाबा का बनते हैं तो क्या खेल शुरू होता है, माया का। और माया जीत अवस्था जिसकी होगी वही अंत तक टिकेगा है ना। ये कर्म करने की बात नहीं है, ये माया पर विजय पाने की भी बात। क्योंकि मेजॉरिटी तो अच्छे इंटेंशन से आते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कहाँ मार खा जाते हैं, क्योंकि माया कोई नहीं परख पाते। कभी कुसंग में पड़ जाते हैं, कभी परख शक्ति नहीं है, कभी है ना कुछ देखते सुनते उस चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी किसी बात से अपने संस्कारों से धोखा खा लेते हैं। अपने संस्कार भी तो माया का द्वार बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ठीक नहीं है, मुझे वैसा लगता है, अरे पर बाबा ने तो ऐसा कहा है ना, ये सब होगा, तो आपको क्यों ठीक नहीं लगता। तो ये जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ठीक नहीं लगता, ये सब प्रेफरेंसेस, ये सब माया का द्वार है। एक्सेप्टेंस नहीं है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रेफरेंसेस है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब कुछ माया का द्वार है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बने कौन रहेगा, जो मायाजीत बने। और मायाजीत बनने के लिए आपको चारों बातों पर निश्चय चाहिए, स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर और ब्राह्मण परिवार पर। और नंबर 1 जाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ चाहिए। ब्राह्मण जीवन में आना सिर्फ नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो सफलता का आधार है, सफलता है अंतमते सोगति, सफलता का आधार है श्रेष्ठ पुरुषार्थ और मायाजीत अवस्था। और उसके लिए हमें चाहिए ये चार बातों पर निश्चय, जो बाबा अंडरलाइन कराते हैं। और बाबा कहते हैं कि बाबा पर निश्चय भी कैसा है ना, बाबा पर इतना निश्चय कि मेरा बाबा निरंतर, बाबा मेरे संग संग चलता है, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव, ऐसा निश्चय मुझे बाबा पर चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि बाबा आया है ना, बाबा मुरली चला रहा है, नहीं, बाबा मेरे लिए आया है, मेरा बाबा है, मेरे लिए मुरली चला रहा है, वरदान मेरे लिए दे रहा है। जब वो निश्चय होता है ना, ऐसे नहीं बस आज की मुरली आई, नहीं, मेरे लिए आज बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे, बाबा ने आज मुझे ये वरदान दिया है, बाबा ने आज मुझे इस दृष्टि से देखा है ना, बाबा मेरे साथ रहता है ना। बाबा आया हुआ है लेकिन मेरे साथ रहता है, नहीं पता नहीं। तो ऐसे विजय कैसे हो। तो बाबा पर भी निश्चय माना, एक तो बाबा जो है जैसा है वैसा निश्चय है ना। बाबा बाबा पर निश्चय
भगवान पर निश्चय नहीं है, क्योंकि भगवान तो एक कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी रीति से समझते थे, भगवान ऐसा है ऐसा है, ये करता है वो करता है, लेकिन बाबा जो है जैसा है वैसा निश्चय मुझे रखना। अब उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है लेकिन कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे दुनिया में कहते हैं भगवान हर एक के साथ रहता है, हर एक को मदद करता है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं बाबा तुम्हारे साथ रहता है पर मदद किसको मिलती है? हाँ, हिम्मत, क्या नियम है, एक कदम हिम्मत का तो 1000 कदम मदद के, है ना। देखो गीता में ये बात आती है कि अंत में भगवान को, चलो देहधारी दिखाया जो भी है, लेकिन अंत में भगवान ने द्रौपदी को वस्त्र दिए, है ना, कब, जब इतना सारा तमाशा हो गया, ठीक है। तो एक मैं एक बार एक कोई एक पढ़ रही थी किसी का विचार कि कोई कहते हैं कि भगवान पहले भी तो कर सकते थे, भगवान चाहते तो पहले आ जाते, इतना सारा होता नहीं है ना। तो उसमें बात ये आई कि उसने पुकारा ही अंत में, जब पुकारा ही अंत में तो पहले कैसे आके दे दे। तो उस मेरे हिसाब से वो यज्ञ का आर्टिकल नहीं था, लेकिन कोई बाहर वाले ने लिखा था, लेकिन उसने बहुत अच्छा एक प्रश्न अंत में पूछा था कि तो क्या ये समझा जाए कि भगवान भी पुकारने पर ही आता है, है ना, क्या इससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ पुकारने पर भी नहीं, जब तुम एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हो तो मैं 1000 कदम मदद के देता। तुम हिम्मत हार के अगर पुकार भी रहे हो तो भी मैं मेरी मदद नहीं ले सकते। इसलिए पहले हिम्मत को नहीं हारना होता। तो बाबा हमें कहते हैं क्या तुम मुझे, मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझ पर निश्चय रखते हो, या तुम जैसा सोचते हो मुझे वैसे बिहेव करना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं बाबा को तो ऐसे करना चाहिए, बाबा को तो वैसे, है ना। बाबा कोई हमारे साथ इमोशनल होने के लिए नहीं बैठा है, बाबा हमें शक्ति भरता है ना, बाबा कभी इमोशनल नहीं होता। तो हम ऐसा तो नहीं सोचते कि बाबा दुखी हो रहा होगा हम दुखी हैं तो, या जब हम दुखी हैं तो समझ में आता है बाबा मुस्कुराकर शक्ति दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये हमें, ये तो बहुत एक दो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, पर विचार करना कि बाबा जो है जैसा है वैसा मुझे निश्चय है, या बाबा को जैसा हम सोचते थे या चाहते हैं वैसा बाबा उस पर निश्चय है ना। तो बाप, फिर बाप पर निश्चय माना बाबा की श्रीमत पर निश्चय, बाबा के ज्ञान पर निश्चय, बाबा के साथ पर निश्चय। तो जब इतना निश्चय हो तो पहले सब्जेक्ट में पास हो ना। फिर बाबा कहते स्व पर निश्चय चाहिए, स्व पर निश्चय माना बाबा जैसा मुझे कहता है मैं हूँ मैं वैसा हूँ। स्व पर निश्चय माना दुनिया वाला कॉन्फिडेंस नहीं, हम टैलेंटेड हैं, हम समझदार हैं, अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो नहीं। बाबा जो मुझे स्वमान देता है ना, मैं वो आत्मा हूँ जैसा बाबा मुझे देखता है। बाबा मुझे कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम संपूर्ण पवित्र आत्मा हो, तुम ही आधार मूरत हो, तुम ही उद्धार मूरत हो, तुम ही कल्प कल्प की देवी कुल की आत्मा हो। तो क्या मुझे बाबा ने जो स्वमान दिए उस पर निश्चय है? परमात्म स्वमानधारी आत्मा हूँ मैं, है ना। क्योंकि अगर
वैसे निश्चय नहीं है, सिर्फ अपने को समझते हैं लौकिक हिसाब से कि भाई हम कॉन्फिडेंट हैं या हम टैलेंटेड हैं या जो भी है। तो दुनिया में तो हालत देख रहे हो ना आजकल क्या है, प्राप्ति हुई तो कॉन्फिडेंट, एक फेलियर हुआ तो संपूर्ण इनकॉन्फिडेंट है ना। एक भाई थे तो क्लास में आते थे, तो जब कोर्स किया तो बहुत उमंग से कोर्स किया। फिर उनको मैं कहती कि बाबा हमें कहता है कि हम मनुष्य से देवता थे, देवता बने। हाँ दीदी अभी भी तो हम ही संभाल रहे हैं, हाँ हम ही तो सब कुछ है सच में, मतलब। और मुझे भी नहीं समझ में आता था कि ये देहाभिमान है या स्वमान है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे से कहते थे। तो कुछ दिनों के बाद नौकरी चली गई, नौकरी चली गई तो क्लास तो बंद हो गई, कमरा बंद करके बैठे, किसी से मिलते नहीं थे, है ना। नौकरी चली गई, वो भी गई कैसे, नौकरी को लात मार के चले आए, बॉस से झगड़ा हुआ तो, है ना, रखो तुम अपनी नौकरी, हमें बहुत मिल जाएगी, क्योंकि ये देहाभिमान ऐसा होता है। तो जब आ गए घर तो सोचे अभी अगले दिन मिल जाएगी, 3 दिन पार हुए, 10 दिन पार हुए, 15 दिन पार हुए, 4 इंटरव्यू गए, 6 इंटरव्यू गए, पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, कमरा बंद करके बैठे, कमरे से निकलते नहीं थे। पहले युगल ने मैसेज किया कि ये टूर पे है, क्योंकि वो भी उनको भी थोड़ा नहीं लग रहा होगा बताएं। फिर 15-20 दिन जब ऐसे बीत गए तो युगल ने फ़ोन किया, बोले कि इनको आप आकर समझाओ, ये तो कमरे से नहीं निकल रहे। तो मैं गई, मैंने उनको फिर है ना कमरा नॉक किया, उन्होंने खोला, मैंने कहा ये आप अगर हायरिंग टीम में होते तो जो आपकी हालत है आप खुद को हायर करते? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको क्यों लगता है कि इस सीरत सूरत के साथ आप जाएंगे इंटरव्यू देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप तो रहे हैं ना पिवटल पोजीशंस में रहे हैं आप, तो फिर ये क्या है। तो उनको ऐसे कर करके फिर उनको क्लास ला के उनको रोज़ एक एक घंटा समझा समझा के फिर वो वापस, है ना। तो कई बार हमें लगता है कि हमें बहुत स्वमान है, लेकिन स्वमान नहीं होता है, देहाभिमान होता है। और देहाभिमान है या स्वमान है उसकी परख तब तक नहीं होती जब तक परिस्थिति ना आए। जब देहाभिमान को चोट पहुंचती है ना, तब जाकर पता चलता है कि हम सीधे खड़े हैं या नहीं खड़े, है ना। ये जो दुनिया का मान शान, नौकरी चाकरी, ये वो, है ना, पैसा पोजीशन, जब उसको चोट लगती है तब मालूम पड़ता है कि सच में ये देहाभिमान से चल रहे थे, स्वमान से तो चल ही नहीं रहे थे, है ना। एक संबंध बिगड़ जाता है तो क्या हालत हो जाती है, तो हम क्या स्वमान से चल रहे हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि स्वमान धारी बनो, मैं आत्मा वो हूँ जो मुझे बाबा कहता है, है ना। आई एम नॉट व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई डू, ये हम सुनते हैं बट हम समझते नहीं है ना। हम वो ही फिर भी जो हमारे पास है, जो हम करते हैं, हम उसी से अपना सारा ईगो का जूस ले लेके पीते रहते हैं, उस नशे में रहते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, श्रेष्ठ स्वमानधारी स्थिति में रहो, चाहे कुछ हो चाहे कुछ ना हो, मैं वो ही हूँ जो मुझे बाबा कहता है, और जैसे मुझे बाबा देखता है मैं वो आत्मा हूँ। भले इस समय जीवन में बाहरी रूप से सफलता हो विफलता हो, गरीबी हो अमीरी हो, बीमारी हो स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं वो हूँ जो मुझे बाबा कहता है,
कल्प कल्प की विजयी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, है ना, सफलता मूरत आत्मा, है ना। अगर आप प्रेजेंटली भौतिक सफलता के पात्र नहीं हैं, लेकिन दुनिया में आप कहें मैं सफलता मूरत हूँ, तो 10 लोग हंसेंगे, आपको तो कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन बाबा कहते हैं, क्या फिर भी मालूम है कि बाबा झूठ नहीं बोल रहा मैं सफलता मूरत हूँ, समझे, विजयी रतन हूँ, भले ही मेरी आज दिन में 4 बार हार हुई हो क्योंकि भौतिक दृष्टि से देखो तो बहुत सारी चीज़ें होती, इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, वो जो आपने कहा वो माना नहीं गया, वो हुआ नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर आप विजयी रतन हैं, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्वमान, मैं कौन हूँ, स्व पर निश्चय कि मैं वही हूँ जो मुझे बाबा कहता है। और आप विचार करो, एक एक कन्या बाबा के घर में, कोई दुनिया के तो बहुत अनुभवी या बहुत कोई पद पोजीशन वाले नहीं होते ना, तो किस आधार से वो बहनें विश्व महाराजन बनती हैं। उनके पास कुछ नहीं होता दुनियावी, किस आधार से बनते, स्वमान के आधार से, कितनी बातें सुनती हैं, कितने सारे ओपिनियंस झेलती हैं, है ना, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना, कोई कहता है कोई चारा नहीं था तो सेंटर पर आ गए, है ना, कोई अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन उस आत्मा को मालूम है कि ये नहीं जानता मैं कौन हूँ, जो मुझे बाबा कहता है ना मैं वो हूँ। और वो उसी आधार से उस स्वमान की सीट पर बैठकर काम करते हैं, चाहे उनको कोई पद दे ना दे, वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, और उस आधार से कर्म करते करते स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी बनते। इसलिए बाबा ने कहा ना, जो स्वमानधारी होता है वो स्वराज अधिकारी बनता है, और जो स्वराज अधिकारी बनता है वो विश्वराज अधिकारी बनता है। इसलिए कभी भी उन चक्करों में नहीं पड़ना होता, है ना, ये जो बाहरी बातें हैं, है ना, हैव्स हैव नॉट्स, है ना, क्या कर्म, क्या मुझे पद मिला, क्या सेवा मिली, क्या नहीं मिली, वो सब में नहीं पढ़ना होता। लेबल्स, टाइटल्स, ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण परिवार में इन चक्करों में नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते, यहाँ भी तो छोटे बैच बड़े बैच सब कुछ होते हैं, पढ़ सकते, लेकिन जो नहीं पढ़ता वही जाकर विश्व का राज तख्त लेता है ना। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि ये जो स्वमानधारी है ये बहुत ज़रूरी, स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, फिर ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा पर निश्चय मतलब ये नहीं होता कि मुझे कभी कोई अनफेवरेबल सीन नहीं देखने पड़ेगी, मोस्टली ऐसा ही सोचते हैं। ड्रामा पर निश्चय माना, मैंने मेरा ड्रामा हमेशा ठीक रहेगा, मुझे कोई विघ्न नहीं आएंगे, मुझे कोई बातें फेस नहीं करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे ही कोई बात आ जाती सीधा कहाँ बैठ जाते हैं, बाबा के सिर पे, आप बैठे ये कैसे आ गई, ये तो आनी नहीं चाहिए, करते हैं कि नहीं। मुझे एक माता थी, उसकी बेटी को आई आँखों में कुछ हो गया, माता 6 महीने से ज्ञान में चलती थी, तो जब आँखों की कोई प्रॉब्लम आई तो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला, तो माता मुझे आधे घंटे तक कहती रही, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा बैठा है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऐसा तो बाबा ने कभी नहीं कहा। कहती नहीं, ड्रामा पर निश्चय मुझे तो कि यहाँ कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा,
है ना। तो आप सोचो कि 6 महीने से मुरली सुन रहे हैं, पर निश्चय क्या है? कुछ होगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा तो ऐसा ही बना हुआ है ना, कि कभी सफलता की सीन होगी, कभी विघ्न की सीन होगी, कभी कुछ और होगा, वैरायटी ड्रामा है। लेकिन निश्चय बुद्धि माना, उसके बावजूद हमें कोई उलझन, कोई क्वेश्चन ना है, हम उस सीन में ये क्यों हुआ ना पूछे, मुझे क्या करना है पूछे। समाधान स्वरूप माना, कोई सीन आई, मेरा एक भी थॉट क्रिएट ना हो कि ये क्यों आई, ये कैसे आ गई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये हो कैसे गया। मेरा पहला थॉट हो इसमें करना क्या है। ठीक है ना, और वो करना है और फिर बाकी शांत चित होकर बैठना है। इसको कहते हैं ड्रामा पर निश्चय। और मान लो कोई लॉस भी हो गया, कोई बात भी हो गई, उसमें भी समझना है कि ड्रामा कल्याणकारी है ना। ऐसा नहीं है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि समाधान स्वरूप होंगे तो समाधान हो जाएंगे। समाधान क्या होता है? समाधान होता है बात को पार कर लेना। बात आई, बात चली गई, आपको कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, ये होता है समाधान हो गया। ऐसे थोड़ी कि वो जो बात आई वो सॉल्व हो गई, उससे एक अच्छा आउटकम निकल गया। अच्छा आउटकम इज अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग। आपको पता ही नहीं अच्छा आउटकम निकला या नहीं निकला, आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो बात आई, बात चली गई और मैं ठीक हूँ, ये होता है समाधान स्वरूप बनना। मेरे को, मैं समस्या स्वरूप नहीं बना, समस्या ने मुझ पर कोई लेप छेप नहीं छोड़ा, मैं समस्या से घायल नहीं हुआ, समस्या ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये होता है समाधान स्वरूप। और ये कब होता है? क्योंकि देखो जीवन में एक चीज़ आप समझना, ड्रामा की सीन अच्छी हो या बुरी हो, ड्रामा का एक नियम है, कोई भी सीन ठहरती नहीं है, ठीक है ना। और वो अपने साथ जो लाती भी है या ले भी जाती है, वो लॉस या गेन भी परमानेंट कभी नहीं होता। वो लॉस भी परमानेंट नहीं होता, वो गेन भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन उस सीन में जो आप ट्रॉमा क्रिएट करते हैं वो परमानेंट होता है। ट्रॉमा नहीं जाते, ट्रॉमा तो पर्सनालिटी में रह जाते। ट्रॉमा से ओवरकम करते हैं जब विकर्म विनाश करते हैं योग से, बाकी ट्रॉमा जो है वो तो रहता है। इसीलिए हाँ, वो आपको पता हो या ना पता हो, आप जो सपने देखते हैं उल्टे सीधे कहाँ से आते हैं? सब सबकॉन्शियस से आते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि सीन आई, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, जो भी हुआ वो आएगी, वो जाएगी, आपको चलते रहना है। और उसके लिए आपको समझना है नथिंग न्यू, हर बात, हर कल्प ये बात आई है और ये पार हो जाती है, दिस टू शैल पास। हर कल्प ये बात आती है, हर कल्प ये बात चली जाती है। आज कोई चीज़ बहुत बड़ी लग रही है, 6 महीने बाद ख़त्म हो गई है। चाहे वो बड़ी से बड़ी शारीरिक रोग हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई बात हो, है ना। आप विचार करो, एक व्यक्ति कैंसर से गुजरता है,
कैंसर आया, चला गया। लेकिन 10 साल तक उस कैंसर की पीड़ा का वर्णन कर पाता है। तो आप विचार करो उसको कितना ट्रॉमा हुआ है ना? क्योंकि वो जो फेज है, जिस 1 वर्ष 1.5 वर्ष वो उस चीज में रहा, उसमें उसको है ना, मैं मर ना जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये चला। तो इसीलिए वो बात साथ में रहती और वो अंतमते सोगति में विघ्न डालती। इसलिए बाबा हमें कहते हैं नथिंग न्यू आई है, चली जाएगी, हमने जो पिछले कल्प किया था वो हम कर दें और जैसे ये बात पिछले कल्प पार हुई थी ऐसे हो जाएगी। आप बाबा की याद में रहो, आराम से रहो, वो पार हो जाएगी। ये होता है ड्रामा पे निश्चय, समझे? और फिर डिसीजन तो जो आपको उस समय एक्यूरेट लगे वो आप लो ना, फियर से नहीं, परेशान होकर नहीं। देखो जब आप फियर में नहीं होते, आपकी बुद्धि टचिंग लेती है बाबा से और आपको कुछ ना कुछ सूझेगा कि ये चीज़ करते। जब आप इंसल्टेड फील नहीं कर रहे है ना, कोई डेफमेशन का पेपर आ जाता है, आप इंसल्टेड फील नहीं कर रहे, कोई लॉस का पेपर आ जाता है, आप अफेक्टेड नहीं हुए, तो आप उस समय पर जो डिसीशन लेना है वो ठीक ले पाएंगे, क्योंकि आप इमोशनल नहीं है ना, तो बाबा की जो टचिंग है वो मिलती है। इमोशन बीच में आता है तो बाबा की टचिंग नहीं मिलती। तो वो करना है और समझना है, जैसे ये आई है ऐसे पार हो जाएगी। ऐसे तो हर कल्प पार हुई है और हर कल्प हम विजयी बने ही है ना, और इस सिचुएशन का विजयी बनने से कोई लेना देना नहीं, ये सॉल्व होगी, ये ऐसा हो जाएगा वैसा, ना हुए तो भी हम विजयी बने है ना, तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसको भी ड्रामा की सीन से जोड़ देते हैं ना उस बात को, कि ये समाधान हुआ, ये सफलता मिली, ऐसा नहीं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिवार पर निश्चय, कौन से परिवार पर? ब्राह्मण परिवार पर। और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय क्यों रखना होता है? क्योंकि इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे राज्य करेंगे तो रहना जब जब राज्य उनके साथ ही करना है तो अब साथ में तो रहना ही है। लेकिन साथ में रहने में क्या होता है कि संस्कारों की टक्कर बहुत होती है, और जब किसी के संस्कार आपसे बहुत विपरीत होते हैं ना, और देखो हम यहाँ पर श्रेष्ठ संस्कारों की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, तो एक तो वो संस्कार आपसे भी विपरीत है, दूसरा वो संस्कार श्रीमत के भी विपरीत है, समझ आया? तो ब्राह्मण परिवार में ही आप किसी का संस्कार देख रहे हैं जो आपके संस्कार से भी विपरीत है और श्रीमत के भी विपरीत है, लेकिन वहाँ पर फिर क्या होता है, फिर हम रॉन्ग राइट में चले जाते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं कि एवरीबडी इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो बाबा हमें कहते हैं कि अभी राजधानी बन रही है, वो भी नंबरवार बन रही है, तो सब नंबरवार है ना, और 1 से लेकर 108 तक भी सोचो कितनी वैरायटी होगी। तो इन बातों को समझकर संस्कारों का नॉलेजफुल होकर चलना होता है कि वैरायटी संस्कार है। और देखो इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, व्हाट डजंट ब्रेक यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो ये जब निश्चय की कमी होती है ना, तो वही बात हमें ब्रेक कर देती है, और जब निश्चय होता है तो वही बात हमें मजबूत करती है। ये डिफरेंस है निश्चय और लैक ऑफ निश्चय, क्योंकि बात आए बिना तो आप मजबूत नहीं होंगे, लेकिन वो बात आपको मजबूत बनाएगी या तोड़ेगी
वो आपके निश्चय पे। उसी बात से कोई टूट भी जाता है और उसी बात से कोई मजबूत भी। तो इसीलिए जब बाबा ने कहा ना, मजबूत बनाने का आधार भी बनता है ब्राह्मण परिवार, क्योंकि कई बातें ऐसे आएंगी जहाँ पर अगर आप निश्चय बुद्धि नहीं है तो वो बात तोड़ देंगे, और अगर निश्चय बुद्धि है कि ठीक है सब वैरायटी है, सब अपने तरीके से चल रहे हैं, मेरा क्या जाता है, किसी ने कुछ किया कुछ कहा, चाहे आपके ही प्रति किया कहा, आपका क्या जाता है? क्या आपका भाग्य वो बनाते हैं क्या? तो आपका भाग्य छीन लेंगे क्या? जो बनाता नहीं वो छीन नहीं सकता। तो और परिवार है, वैरायटी होते हैं, करते हैं ऐसे काम, तो उसको समझ के चलना होता है ना। ये सिर्फ परिवार है, इनके साथ रहना होता, इनके कोई सहारे नहीं रहना होता। सहारा बाप का है, परिवार का साथ है। जब एक बल एक भरोसा है तो आप किसी के भी साथ रह सकते हैं। किनारा करने की या छोड़ने की इच्छा क्यों होती? क्योंकि आप सहारे थे, तो जब वहाँ से कुछ होता है तो आपको बेसहारा महसूस होता है। तो परिवार के साथ चलना, चाहे जैसा भी हो, और होगा भी नंबर वार, जैसा भी, मतलब ज़रूरी नहीं है वही बुरे हैं या आप ही अच्छे, आपसे अलग अलग, आप अलग हैं वो अलग हैं, आपको जो ठीक लगता है उनको नहीं लगता, जो उनको लगता है वो आपको नहीं लगता। तो हर एक का अपना तरीका है। हमें तो कोई आकर पूछता है ना किस इन्होंने ये क्यों किया, तुमने हमें नहीं पता। कोई क्यों क्या करता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो अलग है मैं अलग हूँ, लेकिन वो जो भी करें उससे हमारा क्या जाता है? वो फिर भी परिवार है ना। तो ऐसे चलना होता है, और किनारा करने का छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए, है ना। और मैंने बहुत शुरू में जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने एक क्लास में एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। वो बात ये थी कि पेपर तो आएंगे 63 जन्म के, है ना, विकर्म, तो जब पेपर आएंगे तो आपको क्या पसंद है? वो पेपर आपको दुनिया वालों से आए, सड़क पे कोई आपको गालियां दे, अच्छा लगेगा? वो पेपर आपके लौकिक परिवार से आए, लौकिक परिवार में भी पतित हैं, पतितों के साथ हमारे ऐसे कार्मिक कनेक्शन क्यों? वहां तो हम सेवा करें ना। तो पेपर कहाँ से आए? ब्राह्मण परिवार से। वो बेस्ट पेपर होते हैं, क्योंकि ज्ञानियों के बीच फिर भी चीजें सेटल हो जाती है, समझे ना। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने बहुत आदि में सुनी थी, जो मुझे हमेशा बुद्धि में रहती है। और देखो, आप एक जगह से रिजिस्ट करोगे ना, आपके पेपर दूसरी जगह से आएंगे, क्योंकि आने तो है ही, हिसाब किताब तो सबको चुक्त करना है। अब जब हमने सारे जगह को सेवा स्थान बना दिया और परिवार यही है, तो पेपर तो यहीं से आएंगे ना फिर। या ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कुछ नहीं किया और आपके कोई पेपर ही नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इन चीज़ों को समझ कर मैं तो यही सोचती हूँ, अंदर अंदर चीज़ें है ना सॉल्व हो जाए, और माना जो भी आए जाए अंदर ही अंदर हो जाए, बाहर तो कम से कम बेइज्जत ना हो ना। ज्ञानियों के बीच फिर भी पेपर आते हैं, तो आते हैं चले जाते हैं, आप भी दो बातें बोलोगे तो उनकी समझ में तो आएगी, है ना। मैं तो हमेशा भाई को कहती हूँ, कार्मिक सेटलमेंट होना तो मूर्खों से ना हो, ज्ञानियों से हो। कम से कम आप कोई बात कहोगे करोगे उनकी समझ में तो आएगी, जिनको कुछ समझ नहीं आता ना उनके साथ कार्मिक सेटलमेंट बहुत मुश्किल है ना। तो ये नहीं, अपनी बुद्धि को समझदारी से रखना,
हाँ अज्ञानियों से तो अब सेटलमेंट है तो है, फिर वहाँ भी डील करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके कर्म की गति बहुत अच्छी है तो आपका सेटलमेंट अंदर ही हो जाए, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है ना। तो जब ब्राह्मण परिवार के साथ सेटलमेंट होता है और आप कहते हो ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो माया क्या सुनती है, इनको दूसरा वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है। तो हमेशा बी केयरफुल, ओके। तो ऐसे बनेंगे सफलता मुहूर्त। ओम शांति।